आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 23 जनवरी के शुभदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने अंदर दी हुई जो परमात्मा की दी हुई हमारे अंदर शक्तियां या गुण हैं, किसी के अंदर शक्ति होती है, गुण होता है कि वो किसी को भी अपना बना लेता है, किसी के अंदर शक्ति गुण होते हैं कि वो नाच हंसी करके औरों का मनोरंजन कर देते हैं, किसी के अंदर शक्ति होती है, गुण होता है कि वो कुछ अच्छी बातें समझा करके किसी के मन को बहला देते हैं। ऐसे ही आपके अंदर भी कुछ बहुत सारे गुण हैं, शक्तियां हैं जो कि परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर डाली हैं। लेकिन आप उनका दो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है किसी को हानि पहुंचाने का, मजाक उड़ाने का, किसी का हानि पहुंचाना, किसी के दिल को दुखाने का, या आप उस शक्ति उस गुण को आप चाहे बोलने की कला हो चाहे हंसाने की कला हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को आध्यात्म से जोड़ने का। तो ये दो चीजें हैं एंड परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने गुणों को बढ़ाते चले, और अगर हम इन गुणों को गलत जगह लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुण तो नहीं बढ़ते हैं, अवगुण बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमारी रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों समाज में और अपनी नजर में कम होनी शुरू होती है और मन विचलित होना शुरू होता है और बुद्धि अपवित्र हो जाती है, जिस कारण से मन शांत नहीं रह पाता। तो परमात्मा कहते हैं उनके अपने ही शब्दों में, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। आपको सिद्धि कब मिलेगी? जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो वो रिफाइन होती जाएगी और आपको सक्सेस मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे, किसमें? मनसा सेवा। अब अगर आपके अंदर विशेषता है, अगर आपके अंदर अच्छे प्योर संकल्प करने की शक्ति है और किसी ने कुछ गलत कह दिया तब भी आपके अंदर शांत रहने की शक्ति है तो आपकी मनसा होगी शक्ति। ये गुण आपको परमात्मा ने दिया है, सहन करने का, शांत रहने का, मीठा रहने का। तो ये गुण भी आप अपने मनसा के द्वारा औरों को भी आप दान कर सकते हैं, दैट मींस मेडिटेशन में आप औरों के लिए प्रे कर सकते हैं और उनको ये शक्तियां दे सकते हैं, वाणी के द्वारा भी कर सकते हैं, और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी, दैट मींस उसका एक्सपेंशन होता जाएगा, वो आपके अंदर क्वालिटीज और अलग अलग कलाएं बढ़ती जाएंगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। आपका संकल्प ही बीज, अगर आपने सोचा कि चलो ये मेरे को परमात्मा ने विशेषता दी है, लिखने की विशेषता है, तो आपने वो लिखने की विशेषता को इस्तेमाल करके आपने किसी का मन जीत लिया। आपने परमात्मा की कोई बात कविताओं के द्वारा या लेख के द्वारा आपने या किसी चित्र के द्वारा आपने उसको भेजी और उस आत्मा के जीवन में परिवर्तन आ गया, उसको कुछ नया समझ आ गया उसमें से, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो आपने अपनी कला को अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया। तो परमात्मा कहते हैं इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, किसने दी हैं? परमात्मा पिता ने दी हैं। विशेषताएं मिली हैं, उनसे मिली हैं, अपनी नहीं है, अपना मान लिया तो अहंकार आ जाएगा। उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो कि हाँ एक पोटली में डालकर इसको बीज रख दिया। अगर आप बीज को रख देंगे वो उगने वाला तो है नहीं, जब तक आप उसको बीज को आप अच्छी तरीके से मिट्टी में गुड़ाई करके उसके अंदर ना डालें। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवा की धरनी में डालो उसको, एक्सपीरियंस को, आपके अंदर जो विशेषता है उसको सेवा की धरनी में डालो, तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे, आपको प्राप्तियां होंगी, सक्सेस आपको महसूस होगा और आप उसके फल को प्राप्त करेंगे। सबसे पहला फल क्या होगा? आपके अंदर वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी। दूसरा फल होगा कि आप औरों के जीवन को बदल पाएंगे। तीसरा फल होगा कि आपको औरों से दुआएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, लोग आपसे खुश रहेंगे, लोग आपसे सुखी होंगे। लेकिन इसमें यह मतलब नहीं कि आप इस सारी विशेषताओं को इस्तेमाल कर रहे हैं नाम मान शान कमाने के लिए या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, या आप काम कर रहे हैं या इतना कुछ कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि आपको कुछ धन की प्राप्ति हो या आपको किसी भी प्रकार की इस फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में कुछ आपकी प्राप्ति हो। तो परमात्मा कहते हैं ये सूक्ष्म प्राप्तियां कराने के लिए है, ये स्थूल प्राप्तियां लेने के लिए नहीं है। तो सूक्ष्म प्राप्तियां क्या होती है? मन और बुद्धि शांत होती जाए और दुआएं मिलते जाएंगे, दुआएं साथ में चलेंगी, धन संपत्ति जो मिलेगा आपको नाम मंशन वहीं कहीं रह जाएगा आपके नाम के साथ, क्योंकि नाम शरीर छोटा नाम छोटा। तो ये सब कुछ करना कैसे है, सीखें कैसे ये सब कुछ करना, वो आपको ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। इसके साथ ओम शांति।